सर दोस्तों आज की वीडियो में आप सबका डिस्क्रिप्शन दोस्तों बता रहे हैं, ये भी सीआईडी में न्यू अपडेट आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर नया बदलाव आ गया दोस्तों, अब सभी लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यहाँ पर एबीसीआईडी को अपडेट करना पड़ेगा। एबीसीआईडी को अपडेट करते समय यहाँ पर दोस्तों सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, और जो नया एबीसीआईडी बनाना चाहते हैं स्टूडेंट वो यहाँ पर एबीसीआईडी कैसे बनाएंगे दोस्तों, फॉर्म में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा, अब सारा यहाँ पर सिस्टम बदल गया है। अब आपको यहाँ पर नए तरीके से आपको एबीसीआईडी को बनाना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा, तो सारा प्रोसेस आपको मैं बताने दोस्तों वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। यहाँ पर नए एबीसीआईडी कैसे बनाएंगे और जो यहाँ पर एबीसीआईडी जो बना रखे वो अपडेट कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसीआईडी बनाने के लिए पहले आपको डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना होगा, और आपको न्यू यूजर आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, डिजी लॉकर ऐप में कैसे अकाउंट बनाते हैं, इसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बना लेंगे दोस्तों। अब बनाने के बाद लॉगिन करने इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका एबीसीआईडी बना हुआ है तो आपको अपडेट कैसे करना होगा, आपको पहले क्या करना है चलिए आपको बताते हैं। इसके साथ साथ नया एबीसीआईडी कैसे बनाएंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपने एबीसीआईडी बना रखा है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पहले डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको डिलीट कर देना है। अब इस पर क्लिक करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अभी अब डिलीट हो गया, अब ये आपका अपडेट होगा। तो अपडेट कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। इसके साथ साथ नया भी एबीसीआईडी कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। डिलीट कर देने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, और न्यू यूजर आईडी आपको कैसी बनानी वो भी साथ में बताने हैं। इसी तरह सेम बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्च वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने में यहाँ पर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने में यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको फिर दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ए बी सी आप लिखेंगे बिना इसकी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं देने वाला जानकारी फॉर्म में आपको क्या भरना है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर्म में बहुत मिस्टेक कर देने, अगर आप यहाँ पर फॉर्म में भरते समय अगर कोई मिस्टेक कर देंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी आगे चल के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहले यहाँ ऑप्शन नहीं था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन को पूरा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी, मेल जेंडर आपका रहेगा जो, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ गया एडमिशन ईयर, अभी ये नहीं था पहले। अब यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी टाइप ये ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वैल्यू, और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट आ गया इंस्टीट्यूशन नेम। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या भरना है सही इस पूरे वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। आप देख सकते हैं न्यू यूजर आईडी जो न्यू एबीसीआईडी बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस उनका भी रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर जो यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं उनका भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट एडमिशन ईयर वाले आपको क्या करना है, इस पर थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईयर दिया रखा है, तो आपको यहाँ पर ईयर वो डालना है जिस आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं एडमिशन आपने कब लिया था, तो आपको ये ईयर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपने न्यू एडमिशन लिया तो 2023 में लिया होगा, तो आपको 2023 यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 2018 में 19 में एडमिशन लिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपको वही सिलेक्ट करना है। चलिए मान लीजिए मैं 2023, तो आपको जो भी है आप इस अपना तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर और न्यू एडमिशन और नॉन। तो ये दोस्तों क्या है दोस्तों, मान लीजिए अगर आप एडमिशन हो गए तो आपको रोल नंबर मिला होगा दोस्तों, तो आपको रोल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं, और यहाँ पर न्यू एडमिशन, अब जो न्यू एडमिशन करा रहे हैं स्टूडेंट तो वहाँ पर न्यू एडमिशन वाला ऑप्शन पर वो सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, न्यू एडमिशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पर नन पे क्लिक करके आप एबीसीआईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपको कुछ नया एडमिशन करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर नया एडमिशन सेलेक्ट करना है, अब ये सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। अब यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू, तो आइडेंटिटी वैल्यू में आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, तो आप देख सकते हैं न्यू एडमिशन वाले क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आपको रोल नंबर सेलेक्ट करते हैं तो रोल नंबर आपको डालना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ न्यू एडमिशन सेलेक्ट करें तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एडमिशन आप कॉलेज में ले रहे हैं या यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर आपको कॉलेज लिख देना है या यूनिवर्सिटी लिख देना है, ये इतना लिख देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टेशन नेम आपको टाइप करने का ऑप्शन आएगा, अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर और कॉलेज एक ही में आप दोनों को आप देख सकते हैं, एक ही में सर्च होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं मिलता तो यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, यहाँ सबसे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली का नाम लिखेंगे और यहाँ पर दिल्ली की सारी यूनिवर्सिटी जो आएगी कॉलेज वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आ जाएंगे। तो मान लीजिए आप जिस स्टेट से वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा
यहाँ पर दिल्ली कॉलेज, यहाँ पर मैंने दिल्ली कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। आपको जो भी है आप वो सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे कॉलेज। अब यहाँ पर हम कॉलेज लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर कॉलेज लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टूडेंट नया बनाना चाह रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये सेम प्रोसेस है, और जो यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, आप सारा चीज़ आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देंगे, गेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करेंगे आप, एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में आपका एबीसी आईडी कार्ड यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा। अब देख सकते हैं आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको थ्री डॉट का आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर देख सकते हैं व्यू शेयर पीडीएफ फ्री रिफ्रेश डिलीट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं इसको, व्यू पीडीएफ यहाँ पर पीडीएफ को देख सकते हैं और यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यू पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एबीसी आईडी में जो आपका आधार कार्ड में जो फोटो रहता है वही एबीसी आईडी में आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर फोटो कोई अपलोड नहीं करना होता है, तो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए एबीसी आईडी के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो यहाँ पर एबीसी आईडी में आ गई। अब यहाँ पर हमारा एबीसी आईडी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब इसको डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, तो आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हैं इसको मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में। तो फाइल में डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको ए बी सी आई डी नया बनाना और अपडेट करना है। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और यहाँ तक लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो शेयर करना दोस्तों और लोगों को भी पता चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।